दिनों में देश रामनवमी का पर्व मनाएगा। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है, तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से एक दो साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है, 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें। हर इंस्टीट्यूशन, हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए कि मैं अपना गांव का प्रधान हूं, 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूंगा। RBI को मैं कार्यक्रम में अभी गया, 90 साल का उनका काम था, तो मैंने कहा कि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 100 साल होंगे, इस पर अभी से सोचिए। तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आज़ादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए, और आज़ादी के 100 साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट तो वो है, दूसरा है 2024 ये चुनाव का हमारा जो क्रम है 5 साल का, उसके हिसाब से वो आया हुआ क्रम है। और मैं मानता हूँ कि चुनाव ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं, लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा महापर्व है, और इसलिए मेरा तो मत है कि उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उससे जैसे स्पोर्ट्स, उसका जब फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं, प्रतिस्पर्धा भी। जब खेल का मैदान होता है तो देखने वाले, खेलने वाले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। चुनाव का ये माहौल अगर हम उत्सव में पलट दें, लोकोत्सव बना दें, तो हमारी रगों में, डेमोक्रेसी आने वाली पीढ़ियों के रगों में वो संस्कार बन जाती है। और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र ये सिर्फ संविधान की सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए, हमारी रगों में होना चाहिए, हमारे संस्कार में होना चाहिए। और उस अर्थ में मैं 2024 को देखता हूँ। ये बात सही है कि हमारा 25 साल का विजन, और उसमें मैंने बहुत काम किया है, और ये आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। शायद मैं जब गुजरात में था तब भी इन दिशा में सोचता था। अब देखिए 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूँ, 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियाँ होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो,
सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए, देश, देश के लोग। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूँ, मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रही। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है, कहा यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। अब प्रधानमंत्री जी, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया जिसके बारे में पूछना चाहूँगी। एक तो वो जब आरबीआई में जब आपने कहा 2014 विजन वगैरह की बात कर रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी, एक वो नर्वस होते हैं, जो दूसरी जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं, हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूँ। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे, तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते, तो मैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा, मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी में पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं
अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया हूँ। और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसके काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा। और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए दो ढाई ढाई घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको। मैं अंदाज, मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ जी, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है जी, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित है, एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है जी। मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूँ, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके। मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे, स्टेट को क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सभी नहीं, पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके। ये काम देश का है जी। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए, उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा, उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं, दूसरा ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफ़ी समय लगाया इसमें, उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा। एक 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। अच्छा। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना लिया, अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं एक मिनट भी घंवाना नहीं चाहता हूँ जी। अब आपको याद होगा 2019 में, बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया, 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया, UAPA बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया, बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था हमने 100 दिन में कर, इतना ही नहीं पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपये लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन का क्या काम करना, वो हैफाजर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट होता है। पहली बात है, उम्मीदवार ही नहीं,
चुनाव में हर मतदाता इम्पोर्टेंट होता है, चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहाँ तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते हैं, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको पांच पांच छह छह दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का, मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे। जब मेरा मौका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। तीन तलाक, कितने ही चीजों से गुजरा, पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके ऊपर क्या भरोसा करें, ये तो एक बार एक बोलते दूसरे लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भी ये था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूं। मोदी जी, आप भरोसे की बात करते हैं, जब भी हमारे कैमरा टीम्स जहां भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि जो मतदाता हो या कैंडिडेट हो वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। तो हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहां पे पहले होते थे बहुत बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी, क्या उस लेवल पर पहुंच गए? ऐसा है कि देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूं कि ये माँ भारती का बेटा है, ये माँ भारती का संतान है, उससे ज्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत माँ का संतान है, माँ की सेवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था लेकिन हो गया है, और जब इलेक्शन आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी तुम पापी। कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया इसलिए वो पापी है, बीजेपी कहती है कि न्योता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं इसलिए आप पापी हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया
और इसको आज की घटनाओं से मतलब, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई, न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। दूसरा इनकी प्रकृति, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्थाएं, भारत का मूलभूत जो पिंड है उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है। अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था, वहां तो न जनसंघ था, न भाजपा था, न आरएसएस थे, न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने। वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ, जो भी है। अब ये और ये वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीज़ें होती रहती, और ये किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये अपना अधिकार मांगते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ, ये तो नामदार है, हम तो कामदार है। अब मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँ, वहाँ के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूँ, उसकी भी मजाक उड़ाना, यानी हर चीज़ की। मैं तमिलनाडु जाऊँ, लूँगी पहनूँ, तो उनको लगता है देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं हैरान हूँ जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे लिए, मैं मानता हूँ ये न राजनीति का विषय हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए और न कभी होगा। हमारे लिए एक जबरदस्त आस्था का विषय है जी, और ये कोई प्रभु राम का संबंध कोई मेरे कारखाने में नहीं आया जी, हजारों साल से और दुनिया के अनेक देशों में है। जब ये राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए ट्रस्ट के लोग मुझे आए, उन्होंने ठुकरा दिया। मैं सोचने लगा, इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया जा रहा है, मैं अपने आप को योग्य क्या कैसे करूं, अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं? तो मैंने कुछ लोगों की एडवाइस ली, कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूँ, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करें। उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा। और मैं जमीन पर सोता था, नारियल के पानी पर रहता था, और तय किया मैं प्रभु राम जहाँ जहाँ गए थे उसमें जहाँ भी मैं जा सकता हूँ जाने का प्रयास करूँगा। और वहाँ मैं अपना, जब मैं श्रीरंगम मंदिर में गया, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, और कंब रामायण का मैंने पाठ किया वहाँ,
तब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब 800 साल पहले जब कंब रामायण की रचना हुई तो पहला पाठ इसी जगह पे हुआ, और मैं देख रहा सबके आँख में आंसू थे। ये जो मैंने अनुभूति की है साउथ में खास करके, यहाँ बैठे हुए लोगों को अंदाज नहीं आएगा जी कि क्या भक्ति है, क्या आस्था है और कितनी पवित्रता है उसमें। मेरा कार्यक्रम नोन नहीं था, मेरा काम भी ऐसा व्यक्तिगत था, लेकिन जो जन सामर्थ था एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभव कर रहा था। तो मेरे लिए शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये 11 दिन की घटना में देखता हूँ मैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैंने बहुत गंभीर लिया था जी, मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी, मेरे लिए वो इवेंट नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था आपके लिए। मैं मानता, मुझे दिखता था वो 500 साल का संघर्ष, मुझे दिखता था 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा, सपने, और देश के गरीब गरीब लोगों ने पाई पाई देकर के मंदिर बनाया है जी। ये मंदिर तीन चीजें मैं देखता हूँ, एक 500 साल का अविरत अखंड एक निष्ठ संघर्ष, लाखों लोगों का एक काम के लिए बलिदान, दूसरा लंबी न्यायिक प्रक्रिया, इतने सालों की न्यायिक प्रक्रिया, और न्यायिक प्रक्रिया के हर तराजू से तुल करके निकला हुआ कसौटी हुआ हुआ, दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग, एएसआई के द्वारा उसकी खुदाई सबूत, ये एक बहुत बड़ा, और चौथा हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों ने एक एक दो दो पांच पांच रुपया जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है, ये ऐसे पहलू हैं कि जो भारत के स्वाभिमान को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सपनों को, भारत के संकल्प को और भारत के आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाले हैं। हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो पहले मैं दक्षिण भारत के कुछ मुद्दों के बारे में उठाऊंगी। बीजेपी का एक ऐसा नेता तमिलनाडु में उभर के आया है जिसके लिए मीडिया अटेंशन काफ़ी कुछ आ रहा है, वो है अन्नमलाई जी। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को डबल डिजिट फिगर आएंगे, तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप भी तमिलनाडु इतनी बारी जा चुके हैं? पहली बात है कि तमिलनाडु जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ पांच पांच पीढ़ी हमारी इस विचार के लिए वहाँ खप चुकी है, तो एक निरंतर काम चला है। जब कांग्रेस से लोग निराश हुए तो प्रादेशिक पक्षों की तरफ गए, और लंबे अरसे तक प्रादेशिक पक्षों का जो कुछ भी कामकाज देखा है, अब लोग निराश हो गए। निराशा के इस माहौल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, देश भर में जो तमिल बंधु रहते हैं उन्होंने अपने घरों में जाके बताया भी हम जिस राज्य में रहते हैं वहां तो ये हो रहा है। तो लोग स्वाभाविक तमिल प्रजा कंपेरिजन करने लगी कि जो हवा खड़ा किया गया था ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी वाले लोग ये तो पानीपुरी वाले कर करके मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब तमिलनाडु के लोग काशी संगम कार्यक्रम में आए और काशी का रूप रंग देखा, उन्होंने कहा हमने तो जो सुना था ऐसा नहीं है, ये तो बहुत डेवलप दिखता है, बड़ी प्रगति हो रही है, आईटी का नेटवर्क दिखता है, तो सोचने का तरीका बदलने लगा, और उसके कारण डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूँ इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है, वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। और अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता उसकी तो जिंदगी बन जाती,
तो वो मन नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ, और वो तो काफ़ी अरसे से करते आए हैं, काफ़ी दशकों से उनका एंटी सनातन पोजीशन रहा है, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इज इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट्स है वो बाकी राज्यों में भी ये फैल रहा है अब? मैं इस सवाल को जरा अलग तरीके से देखता हूँ। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए, जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहाँ इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं, और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज़्यादातर गांधीयन लोग थे, ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, और पहला संविधान बना उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियाँ देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कुछ और दक्षिण के मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो दक्षिण है वो अलग इकाई है, उत्तर अलग इकाई है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, और बीजेपी जो है वो दक्षिण भारत में सेंध नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर्व से देखें, बंगाल से देखें, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तक जाएं, पूरे उस एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी। दो अलग इकाई है क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत? पहली बात है, भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ रेगिस्तान भी हैं, यहाँ समुद्री तट भी हैं, यहाँ हिमालय भी हैं, और यहाँ सह्याद्री भी हैं, यहाँ गंगा के पट भी हैं और कावेरी के पट भी हैं। तो भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का परिणाम है। अगर यही भाव होता, अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गांव कितने सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो तमिलनाडु में है। इतने सारे गांव के नाम हैं कि उसमें राम तो होगा ही होगा। अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, किसको गले उतारेंगे आप? लेकिन भारत की विविधता है, पंजाबी जैसा होगा वैसा नागालैंड का व्यक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा होगा वैसा कश्मीर का व्यक्ति नहीं होगा। तो विविधता ही तो हमारी शक्ति है, हमने विविधता को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें गुलदस्ता ऐसा है भारत का जिसमें हर एक का अपना फूल दिखाई दे, ये भाव होना चाहिए।
कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा, और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो व्यक्ति यूएन में जा कर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूँ तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक ढांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, और मैं हमको कह हर एक को कह दो, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूँ, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था तो उनमें से किसी ने पूछा हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे? कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिण के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्यमंत्री थे और जब अभी आप प्रधानमंत्री हैं? दरअसल और क्या उन्हें नहीं मिलता सहयोग? दुर्भाग्य हुआ है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये मेरी पार्टी की फिलॉसफी है। अगर आप रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसको नकार करके विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, मैं गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि देश में मैं पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूँ कि जिसके पास राज्य के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अनुभव रहा है। तो एक मुख्यमंत्री के नाते केंद्र से क्या अपेक्षाएं होती है, केंद्र से क्या तकलीफें होती हैं, उसको मैंने भली भांति झेला है, समझा भी है, और इसलिए मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई राज्य, उसका उमंग उत्साह हो विकास का, उस पर कोई रुकावट पैदा हो। अगर रुकावट हटा सकता हूँ और उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ वो भी मैं करने के लिए देखूँ, क्योंकि मुझे देश बनाना है। दूसरा, मैं जब गुजरात था तब भी मेरा मंत्र था, यहाँ सरकार यूपीए की थी तब भी मेरा मंत्र था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। मैं गुजरात का विकास करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा देश का विकास करना है, हमारे देश में वातावरण बनना चाहिए। और हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना की हर राज्य में, हमने कहा भी ये राज्य के पैरामीटर के बराबर आए, भारत सरकार ने योजना बनाई, उसकी मदद की, सभी राज्य आज हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और एस्पिरेशनल ब्लॉक में मिलकर के हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। अब आप कोरोना देखिए, मैंने इतनी बार चीफ मिनिस्टर से मीटिंग की, शायद 20-25 बार, और हर चीज़ में सब मिलकर के निर्णय करते थे, तो हम साथ मिलकर के चले तो हम कोरोना के जंग को जीतने में सफल हुए। और मैं पब्लिकली कहता हूँ कि कोरोना की लड़ाई में भारत की सफलता का कारण मैं, सभी राज्यों का भी उतना ही योगदान है, मैं रिकग्नाइज करता हूँ। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि देश को आगे ले जाना है तो हमें कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए, हमारे यहाँ स्पर्धा होनी चाहिए, तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए विकास की, तब जाकर के। अब देखिए G20, मैं G20 दिल्ली में कर सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया, हिंदुस्तान के हर राज्य में G20 समिट किया, क्योंकि हर राज्य में G20 को सबसे ज्यादा
अवसर मिले, लोगों को उस राज्य को देखने का अवसर मिले, राज्य को अपना एक्सपोजर के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा देश का हर कोना मेरे लिए देश ही है। मोदी जी, दो सवाल G20 को लेकर मैं पूछना चाहती थी आपसे। एक तो वो जो क्लासिक शॉट था ना, वो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रिंस सलमान जो हैंडशेक वाला जो शॉट, उसके बारे में एक। दूसरा, वेस्टर्न मीडिया में बहुत से आर्टिकल्स आते थे उस वक्त कि कोई कंसेंसस होगा नहीं, डिक्लेरेशन होगा नहीं, पर हो गया डिक्लेरेशन। तो ये दो, इन दोनों चीज़ों की बैक स्टोरी बताइए। एक तो आपने वो हैंडशेक कैसे करवाया और दूसरा डिक्लेरेशन कैसे हुआ? एक ग्लोबल गुड जब उसके लिए काम करते हैं और अपने निजी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं तो आप दुनिया को ऑन बोर्ड ले सकते हैं। और मेरी कोशिश ये थी कि मुझे बताइए भाई, आखिरकार ये G8 और G20 पैदा कैसा हुआ? जिन मुद्दों को लेकर के पैदा हुआ तो उस मुद्दों से हटना नहीं, और उसमें सब मेरे से कन्विंस हुए, सब लोग कन्विंस हुए। कुछ लोगों से मुझे व्यक्तिगत बातचीत करने की ज़रूरत थी, मैंने वो भी किया। कुछ शब्दों की किसी के आग्रह रहते थे, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया। दूसरा, मेरा इरादा था कि मैं लास्ट डे लास्ट सेशन में ही नहीं करूँगा, मैं इसको इतना जल्दी करूँगा कि लोग सरप्राइज कर जाएंगे। और इसलिए मैंने दूसरे ही दिन पहले ही सत्र में डिक्लेरेशन वाला काम पूरा कर दिया। तो जो नेगेटिव अनुमानों के आधार पर सारा G20 घसीटने की कोशिश होती है।